वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे साध संगत जी, हजूर साहब की यात्रा के दौरान अज आप जी नूं दर्शन कराउण जा रहे हैं। हजूर साहब तो 10 किलोमीटर दूर गुरद्वारा साहब है नानकसर। सारिया संगतां तैयार ने, तो पहला आप जी नूं संगतां दे दर्शन कराउणे आ, फिर इतिहास दे नाल जोड़ांगे। वाहिगुरु खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी पूरा महाराज दर्शन कर रहे हैं। कल सचखंड साहब दर्शन किए, अज गुरद्वारा बाबा दीप सिंह जी के दर्शन किए। संगत उत्साह पूरा बनया होया वा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। खालसा जी, चलो फिर आप जी ने दर्शन किए ने संगत के, जिहड़ियां संगत जा रही ने सचखंड श्री हजूर साहब तो नानकसर गुरद्वारा साहब के दर्शन करने वास्ते। मैं पहला भी आप जी दस चुका हाँ कि तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर गुरद्वारा साहब स्थित है। रोड सारे ही पुटे हुए हैं, जोड़े पुराने रोड ने, तो नवें रोड की तैयारी जी जोर शोर से चल रही है। तो रस्ता जोड़ा है, असी उस रस्ते मुड़ चुके हैं जिधर गुरद्वारा साहब है। ये गुरद्वारा साहब का बहुत ही खास इतिहास है, तो बहुत ही सुंदर गुरद्वारा साहब है। आप देख सकते हो कि कितनी सुंदर इमारत, कितनी कारागरी। पंजाब तो इतनी दूर होने के नाते भी देखो कितनी सुचजे ढंग के नाल इत्थे सेवा चलती है, तो हर चीज़ नूं बड़े ही बेहतर ढंग दे नाल बनाया गया है। सुंदर गुरद्वारा साहब है, तो खास आप जी नूं जानकारी दिंदे हाँ कि यह गुरद्वारा साहब तो इत्थे जिहड़ा सरोवर है, वह सरोवर की जिहड़ी उसारी है, खुदाई है, तो गुरद्वारा साहब की उसारी जिहड़ी है, ये शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह वल्लों करवाई गई सी। तो खालसा जी, तकरीबन 50 फुट डूंगा जिहड़ा ये सरोवर है, तो सरोवर का इतिहास भी बहुत पुरातन है। जदों श्री गुरु नानक देव जी महाराज बिदर जा रहे सन, तो उदों इस जगह के उत्ते रुके सन। तो उस समय जदों इत्थे रुके, तो भाई मरदाना जी ने गुरु नानक पातशाह जी दे कोलो पानी की मंग की, प्यास लगी सी। तो गुरु नानक पातशाह जी कहन लगे कि मरदानिया, तू रबाब छेड़, कोई खुदा दी रब की गल कर, वाहगुरु की गल कर, तो आप उस परमात्मा नूं याद करिए। जदों मरदाने ने रबाब बजाई, गुरु पातशाह जी ने बाणी गायन की, तो उदों इत्थों एक सोमा प्रगट होया। इस सोमे दे विच्चों जल प्रगट होया, तो इस जल दे नाल ही गुरु पातशाह जी ने कहा, मरदानिया लै शक जितना भी अमृत छकना है। ये जो आप जी बेरी दे दरख्त दी दे दर्शन कर रहे हो ना, ये बेरी दे दरख्त दे थले श्री गुरु नानक देव जी महाराज तकरीबन 9 दिन, तो इतिहास के आता है 9 घंटे, 9 दिन 9 घंटे इस जगह के उत्ते बैठ के जो दर्शन कर रहे हो आप, इत्थे गुरु नानक पातशाह जी ने बंदगी की। इत्थे ही गुरु नानक पातशाह जी दे कोल जदों भाई मरदाने दे नाल सत्संग करते सन, तो एक कोड़ी गुरु नानक पातशाह जी दे कोल आया सी, कहिंदा सी कि महाराज मेरा जिहड़ा कोड़ है वह दूर करो। तो गुरु नानक पातशाह जी ने फिर जिहड़ा सोमा प्रगट किया, उस सोमे दे विच उस कोड़ी दे इशनान, कोड़ी दे कोड़ी दा इशनान कराया। तो इशनान करन तो बाद कोड़ी जिहड़ा सी वह तंदुरुस्त होया, तो कोड़ी ने फिर बेनती की कि पातशाह जी तुसीं इत्थे इन्ने दिन रुके हो, कुछ ना कुछ इत्थे बना के जाओ। तो गुरु नानक पातशाह जी ने फिर एक संगतां दे सहयोग दे नाल ही उत्थे छोटा एक सरोवर बनाया, जिहदी खुदाई बाद दे विच महाराज रणजीत सिंह ने गुरद्वारा साहब भी बनाया, तो फिर खुदाई जिहड़ी वह भी की। इत्थे बहुत ही सुंदर गुरद्वारा साहब है, जदों तुसीं इस गुरद्वारा साहब के दर्शन करते हो तो काफ़ी आनंद आता है। तुसीं अंदर दे दर्शन कर रहे हो, इत्थे जदों अंदर जाइदा है तो सारे ही गुरद्वारा साहब जिन्ने भी हजूर साहब के सुभायमान ने, उन्हां दे विच एक बड़ी खास प्रथा जिहड़ी है वो ये है कि हर गुरद्वारा साहब के जदों संगत जाती है तो उत्थों के ग्रंथी सिंह, उत्थों के भाई जिहड़े ने सेवादार ने, वो गुरद्वारा साहब का इतिहास दसते हैं। इतिहास इस करके दसते हैं ता कि जिहड़ी संगत दूरों नेड़ियों चल के आई है, कोई 2000 किलोमीटर चल के आया है, कोई 1500 किलोमीटर चल के गया है, तो इन्ने किलोमीटर चलण तो बाद जेकर गुरु घर के दर्शन कर लिए तो फिर भी सानू गुरु घर के बारे जानकारी ना हो तो फिर गल चंगी नहीं है। तो इत्थे फिर इतिहास के बारे जानकारी दी जाती है संगतां नूं, बड़े ही सोझ ते आसान तरीके दे नाल इतिहास दस्या जांदा है। नगारा इत्थे हर गुरद्वारा साहब आप जी नूं मिल जाएगा,
तो इत्थे ही कोहड़ियां दा कोहड़ दूर हुंदा है, रोगियां दे रोग दूर हुंदे ने, जिहड़ा भी शरदा दे नाल गुरु घर दे विच आ करके गुरु घर दी मर्यादा दे विच रह करके उस परमात्मा दा नाम जपदा है, उस नूं सलाउंदा है, तो शरदा दे नाल इत्थे इशनान करके जांदा है। तो गुरु पातशाह जी उहनां दी झोली भी भरदे ने ते नाल ही उहनां दे जिहड़े दुख रोग ने उह भी दूर करदे ने। ਇਹ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ 100 ਮੂੰਹ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਭਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਆਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਲ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਟੈਂਪੂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, 3-ਵੀਲਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 10-12 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਆਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਵੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਆਸ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਜੇਕਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 32-33 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਜਾਗੀ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁੰਨ ਖੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਪੁੰਨ ਖੱਟੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਏ ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੋ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।